आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपरमैन वर्सेस गोस्ट राइडर के बीच की वर्सेस बैटल के बारे में। ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक हैं। और हाँ, ये एक कोलैब वीडियो होने वाली है गेम हेवन 007 के साथ। हेलो गेम हेवन भाई। हेलो गेम हब, और शुक्रिया मुझे आपके साथ कोलैब करने का मौका देने के लिए। सो आज के इस टॉपिक से तो आप फेमिलियर हो ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं गोस्ट राइडर वर्सेस सुपरमैन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको गोस्ट राइडर के बारे में बताने वाला हूँ और गेम हब आपको सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बताने वाले है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन। पहले अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली चीज सुपरमैन के पास है क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी, जिसके कारण उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डेंस, रेजिलेंट और बायोलॉजिकली मोर इफेक्टिव है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के टिश्यू से। और जब उसका ये सेलुलर स्ट्रक्चर चार्ज होता है येलो सोलर एनर्जी के साथ, तब उसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब सुपरमैन की एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ तो अभी भी अननोन है, यानी कि उसकी पूरी स्ट्रेंथ की लिमिट अभी भी अननोन है, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कॉमिक्स में कई बार बहुत ज्यादा दिखा दी गई है और कई बार बहुत कम भी दिखाई गई है, तो ऐसे ये फ्लक्चुएट होता रहता है। और इसीलिए अभी तक ये क्लियरली दिखाया नहीं गया है कि उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ तो इतनी है कि वो 10 लाख टन्स को बहुत आराम से लिफ्ट कर सकता है और उससे ज्यादा भी कर सकता है। तो अब अगर हम लोग बात करें उसकी दूसरी एबिलिटी की, तो वो आती है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो अपने विल के हिसाब से कितनी भी स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। अब बेशक वो फ्लैश जितना फास्ट तो नहीं है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है और डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट सुपर हीरोज में से भी एक है सुपरमैन। उसके पास इनवल्नरेबिलिटी भी आ जाती है। सुपरमैन की जो बॉडी है वो नाइ इनवल्नरेबल है, और ये एबिलिटी भी उसकी काफी सारी डिफरेंट कॉमिक्स में काफी डिफरेंट तरीके से दिखाई गई है। उसकी स्ट्रेंथ की तरह ही उसकी जो इनवल्नरेबिलिटी की एबिलिटी है ये भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है कॉमिक्स में। उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी आ जाता है। उसका स्टेमिना लगभग अनलिमिटेड है, कभी भी नहीं थकेगा अपने किसी भी अपोनेंट से फाइट करते समय। उसके पास फ्लाइट यानी कि उड़ने की एबिलिटीज भी आ जाती हैं। वो एटमॉस्फेयर में मार्क 10 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा उसके पास सुपर ह्यूमन हेयरिंग भी आ जाती है। अब ये जो उसकी एबिलिटी है, इसके कारण वो हेयर कर सकता है किसी भी टाइप के साउंड, किसी भी टाइप के वॉल्यूम या फिर किसी भी टाइप की पिच को। इसके अलावा उसके पास कुछ और एबिलिटीज भी हैं, जैसे कि सुपर स्मेल, सुपर स्क्रीम, एक्सरे विजन। और इन सब के अलावा उसके पास एक कमाल का हीलिंग फैक्टर है। वो किसी भी वुंड से ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हील हो जाता है और उसके ऊपर अर्थ के किसी भी टाइप के डिजीज या फिर टॉक्सिन्स का असर नहीं होगा। उसके पास है हीट विजन। ये जो उसका हीट विजन है, कहा जाता है कि ये सन के कोर के टेम्परेचर से भी ज्यादा हाई है। उसके पास फ्रीज ब्रेथ भी है। उसके पास माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन भी है। वो एक मास्टर कॉम्बेटेंट है और उसको ट्रेन किया था वाइल्ड कैट एंड मंगोल ने इन सारी फाइटिंग आर्ट्स में। इसके अलावा उसने वंडर वुमेन से भी ट्रेनिंग की है फाइटिंग की, और एडवांस्ड मार्शल आर्ट टेक्निक्स उसने बैटमैन से सीखे हैं। इसके साथ साथ उसके पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और उसके पास इनडोमिनेटेबल विल भी है, यानी कि वो कभी भी हार नहीं मानता है, फिर चाहे उसका ओपोनेंट कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। तो अब हम लोग बात करते हैं सुपरमैन के कुछ बहुत ही ज्यादा ऑसम फीट्स के बारे में। सुपरमैन ने 200 कॉन्टेलियन टन्स को अपने एक हाथ से लिफ्ट किया था क्राइसिस ऑन इनफिनाइट अर्थ्स में। उसने पंच कर दिया था टाइम और स्पेस को। न्यू 52 में उसने बेंच प्रेस किया था अर्थ को। सुपरमैन स्पेल जिमी ओल्सन इश्यू 33 में उसने सन को अपनी जगह से मूव कर दिया था। JLA इश्यू 77 में उसने ब्लैक होल को अपने हाथों में पकड़ लिया था। एक्शन कॉमिक्स इशू 273 में उसने अपनी एक स्नीज से पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन इशू 220 में उसने अर्थ को मूव किया था, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा फीट है वो है कि उसने सोर्स वॉल को ब्रेक किया था। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग है, लेकिन क्या गोस्ट राइडर सुपरमैन को हरा देगा? लेकिन इसका आंसर जानने के लिए हम लोग को गोस्ट राइडर की भी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेना चाहिए, और वो हमको बताने वाले हैं साकिब भाई। सो गेम हेवन भाई, शुरू हो जाइए। जैसा आपने देखा कि गेम हब ने आपको सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बताया, अब मैं आपको गोस्ट राइडर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बताता हूँ।
यहाँ पर गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जो कि सिमिलर है दूसरे सुपर नेचुरल ब्रिंग से, और इस कैपेबिलिटीज में आता है सबसे पहला सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। यहाँ पर गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। गोस्ट राइडर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग है। गोस्ट राइडर 25 टन्स जितना वेट आराम से उठा सकता है। यहाँ पर गोस्ट राइडर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कार और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी उठा सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। यहाँ पर गोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि उसके पास है मिस्टिकल एनर्जी जो उसकी पावर्स और एबिलिटीज़ को इंक्रीज करती है। इसी की वजह से उसका स्टेमिना भी बढ़ जाता है। यहाँ पर गोस्ट राइडर के पास लिटरली लिमिटलेस स्टेमिना है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर एक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। गोस्ट राइडर इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वो बहुत देर तक अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है, और ये हमने देखा था जब उसकी फाइट हल्क के साथ हुई थी, वो बहुत देर तक हल्क के अगेंस्ट लड़ रहा था। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। यहाँ पर गोस्ट राइडर का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो वो वापस से रीजनरेट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर उसकी बॉडी पे कोई भी जख्म लग जाता है तो उसकी बॉडी अपने आप को हील कर लेती है और वो जख्म ठीक हो जाता है। यहाँ पर कोई अर्थली वेपन गोस्ट राइडर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर सिर्फ डिवाइन वेपन्स ही उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर जो वेपन्स हेवन में बने हैं सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकते हैं गोस्ट राइडर को, लेकिन जो नुकसान उसे होता है वो वापस से उसे ठीक कर लेता है। यानी कि अगर हेवनली वेपन से उसका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो उसको वापस से रिजनरेट कर सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है हेल फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। गोस्ट राइडर पूरा कंट्रोल रखता है हेल फायर पर। यहाँ पर हेल फायर बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेल फायर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी जलाकर खाक कर सकती है। यहाँ पर हेल फायर मैनिपुलेशन में आता है हेल फायर इन्फ्यूजन। यहाँ पर गोस्ट राइडर के पास है एबिलिटी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने मिस्टिकल एलिमेंट्स को डाल सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है हेल फायर प्रोजेक्शन की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर हेल फायर को प्रोजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर वो प्रोजेक्ट कर सकता है हेल फायर को उसके आंखों से, उसके मुंह से, उसके हाथ से और उसके चेस्ट से। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है हेल फायर फोर्जरी की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर किसी भी वेपन को एक खतरनाक वेपन बना सकता है। यानी कि अगर वो किसी भी नॉर्मल बंदूक को लेता है तो वो बंदूक तोप के बराबर भी पावरफुल बन सकती है। सिर्फ वेपन ही नहीं बल्कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक खतरनाक ऑब्जेक्ट बना सकता है, जैसे कि वो किसी भी नॉर्मल बाइक को एक खतरनाक बाइक बना सकता है। और ये तो हमने मूवी में भी देखा है कि वो किसी भी नॉर्मल बाइक को एक खतरनाक बाइक बना देता है, और हमने मूवी में ये भी देखा है कि वो नॉर्मल घोड़े को एक खतरनाक घोड़ा भी बना सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है हेल फायर अटैक्स करने की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर हेल फायर से बने बॉल्स भी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट थ्रो कर सकता है। इसके साथ साथ वो मैसिव वेव्स भी क्रिएट कर सकता है जो कि हेल फायर से बनी होती है। इसके साथ साथ वो ओमनी डायरेक्शनल एक्सप्लोजन भी कर सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है हेल फायर स्टॉर्म की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर इस एबिलिटी को यूज कर अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट हेल फायर की बारिश कर सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर किसी की भी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसमें आता है सोल रीडिंग और सोल कंजप्शन। इसके साथ साथ वो डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है मिस्टिकल चेन प्रोजेक्शन की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर के पास एक खतरनाक वेपन है जो कि उसकी चेन है। यहाँ पर ये चेन अपनी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकती है। यहाँ पर इस चेन से वो अच्छा खासा डैमेज दे सकता है अपने ओपोनेंट को, और ये वेपन भी हेल फायर से बना होता है। यहाँ पर गोस्ट राइडर इस चेन की मूवमेंट्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है डीमन मैजिक मैनिपुलेशन की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर डिमोनिक फोर्सेस और सैटेनिक स्पेल्स को यूज कर सकता है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर इस एबिलिटी से गोस्ट राइडर सुपरमैन को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है साइज मैनिपुलेशन की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, और ये हमने देखा था अनकैनी एवेंजर्स एनुअल इशू 1 में, जब उसकी फाइट थॉर के अगेंस्ट हुई थी तो उसने अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था। इसके साथ साथ गोस्ट राइडर के पास है पेनेस्टेर की एबिलिटी। यहाँ पर गोस्ट राइडर अपने दुश्मन की आंखों में देखकर उसकी सोल को और उसकी बॉडी को जलाकर खाक कर सकता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो अगर ये फाइट होगी नॉकआउट बैटल, तब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि सुपरमैन जीत जाएगा, क्योंकि सुपरमैन ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल गोस्ट राइडर से। तो हाँ, सुपरमैन नॉकआउट कर सकता है गोस्ट राइडर को। और अगर डेथ बैटल की बात की जाए तो वो आपको गेम हेवन बताएगा। अगर यहाँ पर हम डेथ बैटल की बात करें तो यहाँ पर गोस्ट राइडर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे है।
क्योंकि अगर यहाँ पर फाइट बहुत देर तक चली तो गोस्ट राइडर को टाइम मिल जाएगा कि वो डीमन मैजिक मैनिपुलेशन की एबिलिटी यूज कर सकता है सुपरमैन के अगेंस्ट। और यहाँ पर सुपरमैन मैजिक से इम्यून नहीं है, इस वजह से गोस्ट राइडर अच्छा खासा डैमेज दे सकता है सुपरमैन को। और अगर यहाँ पर सुपरमैन किसी तरह अपनी स्पीड और अपनी फिजिकल पावर ज्यादा होने की वजह से गोस्ट राइडर के ऊपर भारी पड़ जाता है, तब तो गोस्ट राइडर बन जाएगा ज़ेराथोस कंट्रोल गोस्ट राइडर। और ऐसा होने पर गोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ऐसा होने पर गोस्ट राइडर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। सो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि डेथ बैटल में गोस्ट राइडर जीत सकता है। सो या ये थी कंप्लीट वीडियो गोस्ट राइडर वर्सेस सुपरमैन की। और अगर आप लोग गेम हेवन को नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, क्योंकि मैंने उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाइए और विजिट करिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा ऑसम कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी मेरी तरह ही गेम स्टोरीज और वर्सेस पे वीडियो बनाता है। तो जाइए और एक बार चेकआउट करिए। और या अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।